हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं लेके इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्जेस के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है और साथ साथ इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करते हुए चलेंगे टेंट क्वेश्चन इट मीन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले यदि आप लगा पा रहे हैं इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए अपन लगाना सीख लेंगे इज दैट क्लियर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है मैं इस पे जाने से पहले आपको अगर ये पूछूं कि हमारे पास करंट कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट जो होते हैं सर हमारे तीन टाइप के होते हैं एक होता है सर स्टैटिक करंट एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट पहला हो गया स्टैटिक करंट पहला हो गया आपका मैं अच्छे से लिख देता हूं मैं ऊपर लिख देता हूं फिर राइटिंग गड़बड़ाती है स्टैटिक करंट एंड आपका होता है सर एसी करंट एंड होता है सर आपका डीसी करंट मैं सीरियल वाइज अगर लिखूं तो सबसे पहले आया स्टैटिक करंट देन आया आपका डीसी करंट विच इज नोन एज अ डायरेक्ट करंट एंड देन आपका आया एसी करंट विच इज नोन एज अ अल्टरनेटिव करंट अगर पूछा जाए कि करंट एक्चुअल में होता क्या है दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी असल में होती क्या है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक डेफिनेशन से अगर पढ़ना चाहें द रेट ऑफ क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट स्टैटिक अब मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक करंट स्टैटिक करंट हमको कैसे मिली थी तो ये भाई साहब एक, एक, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली थी जिस एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट ने पतंग में चाबी बांध के थंडर स्टॉम में उड़ाया था और वहां पे उनको पता चला कि एक ऐसी करंट भी होती है जिसको हम लोग स्टेटिक करंट मानते हैं जो कि कहा अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं दैट इज नोन एज अ रुकी हुई करंट क्या है रुकी हुई स्टेटिक करंट का मतलब रुकी हुई करंट डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट यहां पे कोई भी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है और मैं आपको बता दूं डीसी करंट इज एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू एसी करंट और एसी करंट कब आई थी तब से ये करंट आगे अपनी चलती हुई आ रही है इसमें कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिला बात समझ में आया अब यहां पे बोला गया कि जो करंट है वो आपका क्या होता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज अ करंट करेंट या ना अब यहां पे बात समझिए उस समय की ये डेफिनेशन है उस समय क्या यहां पे ये यह लिखा है कि चार्जेस में कौन से चार्जेस इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन वो बाद में लेटर ऑन हुआ लेकिन उस समय बस ये बोला गया द रेट ऑफ ऑफ फ्लो चार्जेस चार्जेस के फ्लो से हमारा किस चीज का निर्माण होता है बच्चों हमारा होता है करंट का बात समझ में आया अगर अब मैं आपको वायरिंग में दिखाऊं कि करंट एक्चुअली फ्लो कैसे होता है जो चार्जेस होते हैं वो एक्चुअली फ्लो कैसे होते हैं लेट सपोज दैट इज अ कंडक्टर ये हमारा क्या है बच्चों कंडक्टर इतनी बात समझ में आ रही है इस कंडक्टर में मैंने ये एटम बनाए एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात ओके आ, मैं सात की जगह मैं चार बनाऊं तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सर एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो

बात समझ में आ रही है हाँ या ना अगर ऐसा हुआ सो ये अपने आप में क्या कहलाएगा पॉजिटिव वन क्या कहलाएगा पॉजिटिव वन देन क्या हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम का उठ के इसके पास आया क्योंकि पॉजिटिव अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया अब ये कैसा होगा पॉजिटिव वन बात समझ में आ रहा है इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि यहां पे दो टर्मिनल मैंने दिए बच्चों और वो दोनों टर्मिनल कौन से एक है अपना पॉजिटिव वन एक है अपना नेगेटिव वन पॉजिटिव ने इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये अपना क्या हो गया पॉजिटिव फिर इसने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये अपने आप में क्या हो गया न्यूट्रल और अगर बगल वाला क्या हो गया पॉजिटिव अब इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आपका क्या हो गया मैं यहां पे न्यूट्रल में एन लिख दे रहा हूं ये आपका क्या हो गया न्यूट्रल बट ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव Then again, इसने अब इससे ले लिया तो ये आपका क्या हो गया न्यूट्रल बट ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव तो अगर आप देख रहे हो अगर आप देख रहे हो क्या यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है नहीं अगर आप देखो तो यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी तो देखने को मिल रहा है कौन सा चार्ज देखने को मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज लेकिन अब आप यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन लाओगे क्या लाओगे अब थोड़ा दिमाग घूमेगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्या लाओगे कि सर कोई एक एटम है उस एटम में न्यूक्लियस तो हमारा फिक्स होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हमारा करंट uh, बनता है मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बात है कि आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहा है लेकिन आप देख भी तो रहे आप इसको भी तो नकार नहीं सकते हो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव कर रहा है हाँ या ना बात समझ में आ रही है कि नहीं तो यहां पे मैं किसके चार्ज के फ्लो से करंट का निर्माण या फिर करंट का प्रोडक्शन मानूंगा क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो से या फिर पॉजिटिव के चार्ज के फ्लो से या फिर दैट मीन्स प्रोटोन के चार्ज के फ्लो से तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग चकराया तो यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि जब पहले करंट की डेफिनेशन आई थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज के बारे में पता था दैट इज वन पॉजिटिव चार्ज किसके बारे में पता था प्लस क्यू के बारे में उसकी वजह से बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वहीं पे हमारा करंट का प्रोडक्शन होता है मतलब जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा और यहां पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां की ओर फ्लो हो रहा है नेगेटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तो हमने कहा नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर तो हमने कहा कि वहीं पे हमारा करंट उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फॉर्म uh, हो रहा होगा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा बात समझ में आया तो अगर मैं कहूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होती है तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कैसी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मूवमेंट आपको कहां देखने को मिल रहा है टू टू बी नेगेटिव पॉजिटिव तो यहां पे हमने कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन क्या है जो करंट की डायरेक्शन होती है किसकी डायरेक्शन होती है बच्चों जो करंट की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के

बात समझ में आया बच्चों हाँ या ना इतनी बात अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपने करंट का सार पता लगाया करंट क्या होता है द रेट ऑफ ऑफ फ्लो चार्ज चार्ज और में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं बोला गया क्योंकि पॉजिटिव के पॉजिटिव के साथ होता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है बात समझ में आया अब अगर मैं पूछूं कि यहां पे एक्चुअल में एक्चुअल में जो करंट की डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या है मैंने आपको बोला है कि कहीं भी साइंस में रेट वर्ड आए इट मीन दैट इज रिलेटेड टू द टाइम अब दब सपोज कि यहां पे मैंने एक कंडक्टर लिया और वो कंडक्टर ये है ठीक है और यहां पे मैंने एक बैरिकेटिंग लगा दी बात समझ में आ रहा है इतनी बात क्लियर है इस बैरिकेटिंग का काम क्या है मैं बैरिकेटिंग ऐसे नहीं लगा रहा हूं मैंने बैरिकेटिंग ऐसे लगाई है बात समझ में आया अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहां से फ्लो हो रहे हैं वही मेरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ करेंट यदि यहां पे जो चार्जेस के फ्लो की संख्या है वो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ करंट तो यहां पे मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ करंट इज आल्सो बी वेरी वेरी हाई लेकिन अगर रेट ऑफ फ्लो मैंने कर दिया कम तो आप कहोगे कि इंटेंसिटी इज आल्सो गोना टू बी डिक्रीज बात समझ में आया इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों हाँ या ना चलो सर आगे की ओर देखो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो वही डेफिनेशन अब बहुत कायदे में लिखी हुई है देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पे क्या कोई भी चार्ज के बारे में लिखा गया है नहीं सर इन अ वायर और अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम बात समझ में आ रही है हा 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 सर हा सर हा सर हा सर आ गई तो I इज इक्वल्स टू किसके बराबर है कितने नंबर ऑफ चार्जेस गुजर रहे हैं कितने पर्टिकुलर टाइम में उसको हम लोग क्या कहते हैं करेंट क्या कहते हैं करेंट इसकी ऐसा SI यूनिट सर कितनी होती है ऐसा यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर क्या होती है एम्पियर अब वो पूछा जाए कि क्या एम्पियर के अलावा भी कोई यूनिट हो सकती है देखो ना आई किसके बराबर है Q upon T हाँ या ना और Q that means charge की unit हम लोग already पता लगा चुके हैं that is a coulomb याद करो last वाली class हाँ या ना और T की unit बच्चा बच्चा जानता है that is a second तो I की दूसरी unit क्या होगी that is coulomb per second जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी बात समझ में आया करंट की हमने यूनिट कितनी नापी है करंट की यूनिट बच्चों दो मान ली कौन कौन सी मानी है पहला एम्पियर और दूसरा कुलाम पर सेकेंड करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कोई चार्ज मेरा पता है नहीं पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मेरा करंट का फ्लो होता है और negative, जो मेरे जा रहे हैं, उनके में हमारा फ्लो होता है, है? हा या ना जल्दी से बताओ चलिए बच्चों इतना बा बात आपको समझ में आ गई होगी और साथ साथ ये भी बात आपको क्लियर ही होनी चाहिए हाँ या ना ठीक है आगे बढ़ते हैं सर आगे अगर मैं बढ़ूं तो आपको यहां पे दिखेगा एक दैट इज डिफाइन वन एम्पियर और याद करिए क्या ऐसे हम लोग क्वेश्चन ऑल नहीं कर चुके दो कर चुके हैं सर कौन कौन से डिफाइन वन कूलम और डिफाइन वन वोल्ट और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एक नंबर या फिर दो नंबर के क्वेश्चन के लिए अब यहां पे पूछा जा रहा है डिफाइन वन एम्पियर क्या मैं वन एम्पियर की डेफिनेशन लर्न करूं नहीं सर कैसी बात कर रहे हो आप देखो ना करेंट आई किसके बराबर है सर आई सॉरी आई किसके बराबर है सर क्यू अपॉन टी हाँ या ना सर हमने कहा हाँ सर बिल्कुल करेक्ट बात आप कर रहे हो आपने कहा सर आई की यूनिट क्या होती है मेरे से पूछा आपने कहा सर आई की यूनिट बताओ मैंने कहा सर एम्पियर होती है क्यों की सर यूनिट बताओ मैंने कहा सर गुलाम होती है टी की यूनिट बताओ सर हमने कहा सर सेकंड होती है चिल्ला क्यों रहे हो सर फिर आपने कहा सर वन एम्पियर बताओ मैंने कहा वन एम्पियर का मतलब है वेन वन गुलाम चार्जेस फ्लो इन अ वन सेकेंड थ्रू अ वायर इट इज नोन एज अ वन एम्पियर कभी भी अगर आपसे पूछा जा रहा है कोई भी यूनिट को लेकर डिफाइन वन वोल्ट डिफाइन वन इज इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन सर W का मतलब V की यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है वोल्ट वन वोल्ट वर्क डन की यूनिट क्या है जूल कुलाम चार्ज की यूनिट क्या है कूलाम वन जूल वन कुलम तो वन वोल्ट क्या हुआ व्हेन वन जूल ऑफ वर्क डन अकर्स थ्रू इन कंडक्टर फॉर वन कूलाम ऑफ अ चार्ज फ्रॉम मूविंग ए पॉइंट टू दी पॉइंट बात समझ में आ रही है, मतलब इनकी करने की ही नहीं है। यदि आपको फॉर्मुले तो नहीं है तो ये डेफिनेशन मुश्किल होगी अब यहां पर पूछा है डिफाइंडर तो देखो ना अ करेंट इज सेट टू बी वन एम्पियर वेन वन कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोस through a wire in a one second that is known as a one ampere and one ampere is equals to one coulomb per one second. Clear है बात? हाँ या ना? ये बात आपको clear भी होनी चाहिए. बड़ी important है. आगे बात करते हैं. यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बन रहा है उसको निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉन ना हो तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फॉर्म नहीं हो सकता है नेक्स्ट है यहां पे ये वन मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिल भी सकते हैं वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस थ्री एंड वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स बात समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं सर एक बार फिर से मैंने कहा जल्दी से बताओ यूनिट ऑफ करंट सर आपने कहा एमपीएर मैंने कहा बताओ वन एम्पियर क्या होता है ऑफ वन, वन चार्ज इन वायर इन वन सेकंड एज अ वन एम्पियर मैंने कहा वन मिली एम्पियर किसके बराबर होता है आपको क्या बोलना है मिली देखो अगर आपको लर्न करना है तो बस ये याद रखो मिली और माइक्रो में थ्री और सिक्स का अंतर है थ्री और सिक्स है मिली मतलब छोटा लेकिन सबसे छोटा नहीं और जब छोटा तो दैट मीन टेन टू दावर माइनस थ्री एमपियर ऐसे लर्न करो वन मिली एम्पियर इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री एम्पियर वहीं पे अगर मैं पूछूं वन माइक्रो एम्पियर इक्वल टू तो आपको बोलना है टेन टू दावर माइनस सिक्स एम्पियर देखो ना वन मिली एम्पियर टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर वन माइक्रो एम्पियर टेन टू दावर माइनस सिक्स एम्पियर आपको लग रहा होगा कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है बिकॉज जुकाम बेटे मतलब एक होता है स्टेज वन का एक होता है स्टेज टू का और एक होता है स्टेज थ्री का मैं स्टेज थ्री के भी जुकाम को नाक चुका हूं मतलब मेरे को बहुत तकलीफ हो रखी है बोलने में भी लेकिन अगर मेहनत चालू है अगर मेहनत मेरी तरफ से है मेरी टीम की तरफ से है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे यही चाह रहे हैं कि आप मन लगा के पढ़ो एक चीज और बता रहा हूं जैसे मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं तो कमेंट में आप लोगों के ये आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक करंट हो चुका है मेरा इलेक्ट्रिक करंट के अलावा कुछ हो जाए मैं फिर कह रहा हूं आप बस मेरे पे बिलीव रखो जैसे मैं चलवा रहा हूं आप वैसे चलते रहो मैं गारंटी ले रहा हूं कि बहुत अच्छे से अपना काम होगा लेकिन उसके लिए बिलीव रखो ये वाला चैप्टर हम बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे विद इन फाइव टू सिक्स डेज तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा फिर मैं एक पोल करवाऊंगा उस पोल में आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर अगला वाला उठाया जाए चलिए आगे बढ़ते हैं मैं अगर पूछू वन मिली एमपीन टू टू पावर माइनस थ्री वन माइक्रो एमपी टू टेन टू पावर माइनस सिक्स बहुत बढ़िया अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ वन कूलाम ऑफ अ चार्ज पूछा जा रहा है कि एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पावर कितनी होती है इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन बात क्लियर है सर क्लियर है मैंने कहा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक कुलाम के चार्ज में मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना पावर है तो एक कुलाम पे कितना होगा इतना ज्यादा तो वो इतना ज्यादा कैसे निकालेंगे तो यहां पे वर्क आता है मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मुला होता है Q इज equals टू ne. ई लर्न कर लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब होता है संग्रह किसी चार्ज का ठीक है और उस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग देखेंगे तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स n की अगर मैं बात करूं तो n विल बिकम इक्वल्स टू Q अपॉन ई e. और Q का मतलब मैं कितने कूलाम में ढूंढ रहा हूं तो मैं यहां पे वन कुल में ढूंढ रहा हूं और दैट मींस इलेक्ट्रॉन मेरा कितना होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन या ना सॉरी माइनस नाइनटीन बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है अब अगर ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी वन टेन की पावर टेन की पावर नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स या ना बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है इसको मैंने हटा दिया इसको 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 मैंने हटाया तो 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 अगर या ना? इसको अगर मैं मैं करूंगा करूंगा या ना चलिए अब हम लोग मूव करते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन पे जो कि आपका करंट को निकालने के लिए ही यूज में लिया जा रहा है अब ध्यान से देखिए मैं आपको सारी की सारी चीजें करवा रहा हूं इवन करंट क्या होता है करंट अपन कैसे यूज में ले सकते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है और करंट के कितने कितने क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहां पे क्या पूछा गया है आ स्क्रीन ऑफ टीवी सेट्स आई स्क्रीन ऑफ टीवी सेट गिफ्ट आउट ऑफ टेन पावर फाइव इलेक्ट्रॉन इन टेन पॉइंट फाइव ठीक है सेकेंड होगा यहां पे सेकेंड कैलकुलेट द करेंट पासिंग थ्रू द टीवी मतलब मेरे को यहां पे आई निकालना है क्या निकालना है बच्चों मैं कलर दूसरा लूंगा बिकॉज रेड मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं येल्लो लूंगा तो मेरे को आई निकालना है आई का फॉर्मूला हम लोगों को पता है और यहां पे गिवन क्या है वो भी पहले देख लेते हैं दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है बच्चों यहां पे गिवन है सर टेन रेस टू पावर फाइव आगे बढ़े टाइम कितना गिवन है सर टेन पॉइंट फाइव सेकेंड हमने कहा बहुत बढ़िया सर मजा आ रहा है हमने कहा मजा आ रहा है वेरी गुड अब अगर मैं बात करूं मेरे को आई चाहिए तो आई का सर सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला देखा है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हा सर क्या मेरे को यहां पे क्यू गिवन है आप कहोगे नहीं है सर गिवन यहां पे कहीं चार्ज है कहीं भी कुलाम लिखा हुआ है आप कहोगे नहीं है सर लेकिन बच्चों क्या हमने आई का एक फार्मूला नहीं पढ़ा दैट इज वो सॉरी q का एक फार्मूला नहीं पढ़ा दैट इज q इज इक्वल्स टू ne अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाता और इसी फार्मूले से हम लोगों ने ये वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करा था आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा i इज इक्वल्स टू ne अपॉन t सर ई e कितना होता है e ई बच्चा बच्चा जानता है ई इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन खुला अब अगर मैं कहूं कि मेरे को आई चाहिए तो आई विल बिकम इक्वल टू एन यहां पे कितना बच्चों टेन टू दावर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन अपॉन यहां पे अगर मैं पूछू टाइम कितना गिविन है दैट इज टेन पॉइंट फाइव और आप इस चीज को सॉल्व करो एंड यू विल गेट दी आंसर बात समझ में आया अब आप समझो कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है क्या यहां पे आपको क्यू गिवन है नहीं है सर लेकिन तब भी आपसे आई पूछ लिया गया यहां पे आपका हेल्प करेगा कि जितने फॉर्मूले आपको पता हैं वो आपके मुंह जबानी होने चाहिए कि आप उसको वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो दैट मींस क्यू अगर मैं यहां पे I Q T, और अगर मेरे को क्यू की वैल्यू गिवन ना हो क्या मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं कभी नहीं लेकिन अगर मेरे को पता हो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड क्यू विल बिकम इक्वल्स टू एनी अपॉन टी तो मैं आई बड़े आराम से निकाल सकता हूं बात समझ में आया इतनी बात आपको क्लियर होनी ही चाहिए और आप जब इस चीज को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट आंसर और आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख के बताना है ठीक है और अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी दिक्कत दिया इट मींस कि अभी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं करी है सो so आपको ये सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स इन अ वायर इन ट्वेंटी सेकेंड इफ करेंट थ्रू अ वायर इज फोर मिली एमपियर अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा जल्दी से पहले आप कोशिश करो जल्दी आ रहा है कुछ नहीं सर नहीं आ रहा है बेटे ये एज इट इज आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है सर एक बार आप बता दो ध्यान से पढ़ते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मेरे को यहां पे एन निकालना है इतनी बात तो समझ में आ रही होगी नेक्स्ट फोर यहां पे फोर नहीं होगा बेटे सॉरी यहां पे होगा फ्लो ठीक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोस इन अ वायर इन ट्वेंटी सेकेंड मतलब मेरे को टाइम भी गिवेन है ट्वेंटी सेकेंड इफ करेंट थ्रू अ वायर इज फोर मिली एम्पियर आई भी मेरे को गिव इन है दिली एम्पियर याद करो अभी मैंने आपको बताया था मिली एम्पियर को जब अपन एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वन मिली एम्पे इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर तो फोर मिली एमपे इज इक्वल टू फोर इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर इतनी बात समझ में आ रही होगी अब मेरे को एन निकालना है आई और टी के रि, आ, रिस्पेक्ट पे मतलब आई भी मेरे को टी भी मेरे को एन निकालना है तो भाई मेरे को एन तो बस एक ही पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई यही तो मेरे को पता है लेकिन यहां पे तो मामला ही कुछ अलग है तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी और मेरे को पता है कि अगर मेरे को एन निकालना है तो एन विल बिकम equals टू आई सॉरी एन विल बिकम equals टू आई टी यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा आई टी आई टी डिवाइडेड या ना आई क्या मेरे को गिवन है हाँ सर गिवन है दैट इज मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं एन इज equals टू आई टी अपॉन ई क्या यहां पे मेरे को I गिवन है हाँ सर गिवन है दैट इज 4 into 10 टू दी पावर -3 क्या मेरे को यहां पे सर T गिवन है हाँ गिवन है सर दैट इज आवर 20 क्या मेरे को e पता है हाँ सर पता है दैट इज अ 1.6 10 टू दी पावर 19 कूलाम क्या सर मैं अगर इसको सॉल्व करूं क्या मेरे को आंसर मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा बच्चों बात समझ में आ रही है इतनी बात समझ पा रही मतलब आप समझ रहे हो ना कि पहले जब मैं पेपर देता था तब यहां पे डायरेक्ट पूछा जाता था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉइंटिंग अब ये सवाल नहीं आएंगे अब कैसे पूछे जाएंगे कि आपको i पूछा जाएगा लेकिन q गिवन ही नहीं होगा और q के लिए यू हैव टू फाइंड इट आउट एन ई अगर आप एन ई -E नहीं निकालोगे देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ द i बात समझ में आया इतनी बात समझ पा रहे हो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना ही है आपको और देना ही पड़ेगा मैं और कुछ नहीं सुन रहा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है व्हेन आर 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अनोन रजिस्टर देयर इज अ करेंट ऑफ टू पॉइंट फाइव मिली एमपियर इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इस क्वेश्चन को हम लोग लेटर ऑन सोल्व करेंगे क्यों क्योंकि सर अभी आपने resistance तो बताया नहीं है लेकिन यहां पर वैल्यू ऑफ द रिस्ट रहा मैं एक जगह से बता दू तो वी इज इक्वल टू होता है आई आर ठीक है बस आप इतना ही जानो uh, बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूं ठीक है आई इज इक्वल टू होता है तो यह सारी चीजें आपको पता चलेंगी लेकिन ये वाला क्वेश्चन अपन लेटर ऑन के लिए सेव रखते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूं लेकिन जस्ट यहां पे हल्का सा ग्लिच हल्का सा आ, ग्लिम्स दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब आपका दो पॉइंट फिक्स हो दैट मींस ए और बी से इलेक्ट्रॉन को लाना और ले जाना दैट मींस चार्जेस को लाना और ले जाना दैट इज नोन एज अलेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से कोई भी चीज लाना इन दोनों की यूनिट क्या होती है वोल्ट यहां पर बोला भी क्या है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट प्लस वी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन चार्ज मूव टू किसके बराबर होता है अपॉन के और बच्चों हमको पता है कि मैंने बोला भी है डिफाइन वन वोल्ट तो यहां पे होता है अगर पूछा जा रहा है वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और पूछा गया कि डिफाइन वन वोल्ट करिए तो वन वोल्ट का मतलब होता है जूल ऑफ ऑफ वर्क डन अकर्स बाय कूलाम अ चार्ज दैट इज नोन एज अ वन वोल्ट बात यहां पे आपको समझ में आ रही होगी नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन वन वोल्ट डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट टू बी वोल्ट मतलब मैं यहां पे लाने का बस ये चीज लाने का यही रीजन है कि डिफाइन वन वोल्ट ओल्ड मतलब ओल्ड फैशन हो गया कि जब एग्जामिनर डिफाइन वन वोल्ट पूछता था आजकल कैसे पूछते हैं डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वोल्ट तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है डिफाइन वोल्ट Then, कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि हमारा वन वोल्ट होगा हम तब कह सकते हैं कि जब वहां पे वन जूल ऑफ वर्क डन होगा कितने चार्ज के लिए एक गुलाम चार्ज के लिए तब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हमारा वन वोल्ट है बात समझ में आए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट हाउ मच एनर्जी दैट मीन्स वर्क डन इज टू बी डन to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery ye shayad kar chuke hain dhyan se dekho na v is equals to work done upon charge work done is equals to v multiply by q v mera given hai that means 6 volt और charge मेरे को कितना दिया गया है ईच कूलाम दैट मींस वन तो यहां पे वर्क डन मेरा कितना आया सिक्स जूल चीज याद रखो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकते हैं यदि इनमें लापरवाही दिखाई तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगी अभी आप लोग ये सोचेंगे अरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल है अपन कर लेंगे यही छोटे न्यूमेरिकल आपको कष्ट देंगे अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया आगे की ओर मूव करते हैं देखो वही सेम चीज आ गई है अब यहां पे बोला गया कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है दैट इज सेल एंड बैटरी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल डायरेक्शन कैसी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव जस्ट उसके अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं सर समझ में आया सर देखो ना जैसे कि मैंने कहा कि एक कोई ये कंडक्टर है ठीक है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो करंट की डायरेक्शन कहां होती है हाई पोटेंशियल से अपना लो पोटेंशियल की ओर बात समझ में आया हाँ या ना? बोला गया ना द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम टर्मिनल ऑफ अ बैटरी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द टर्मिनल ऑफ द लो पोटेंशियल लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इतनी बात समझ में आई आगे बात करते हैं यहां पे बात समझने वाली है यहां पे मैं बस हल्का सा एक आपको आ, कहते हैं ना झलकियां दे रहा हूं किसकी इलेक्ट्रिक सर्किट की सर्किट का मतलब क्या होता है एक क्लोज लूप क्या होता है एक लूप जहां पे करंट आपका एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस पाथ में फ्लो हो सके उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बोला आप क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूस पाथ

फ्लो हो पाऊंगा आगे नहीं लेकिन अगर बीच में मैंने इसको जोड़ दिया और मैं आगे बढ़ता दैट मीन्स मैंने सर्किट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया दैट मीन्स अब करंट का पार कंटिन्यूस फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता रहेगा करंट आगे की ओर फ्लो होती रहेगी तो यहां पे हमने जाना कि सर्किट आपके भाई साहब दो प्रकार के होते हैं एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट वहां पे फ्लो नहीं होगा क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा क्यों नहीं होगा ओपन सर्किट में बिकॉज बीच में एक गैप है करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो सकता है सर्किट डायग्राम की द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज इज इन इन गिवन गिवन सर्किट सर्किट इलेक्ट्रिकल सिंबल इज नोन एज अ सर्किट डायग्राम ठीक है यहां पर क्या है देखो ध्यान से ये एक आपका सर्किट डायग्राम है सर्किट डायग्राम में जो टर्मिनल्स होने चाहिए उनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए यदि पोजीशन फिक्स नहीं है तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है अगर मैं यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव कर दूं तो क्या मेरा करंट फ्लो होगा नहीं होगा सर दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जुड़ा होना कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करंट के फ्लो पे बात समझ में आया आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डब्ल्यू इन शिफ्टिंग चार्ज ऑफ अ टू कुलाम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वेदर दोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टेन वोल्ट एंड फाइव वोल्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब यहाँ पे वर्क डन पूछा गया तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज हा है ना मेरे को यहाँ पे डब्लू पूछा गया है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई क्यू इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्यू मेरा गिव इन है दैट इज 2 कुलाम और पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर में यहां पे माइनस फाइव अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो पी मेरा कितना आएगा फाइव आएगा कि नहीं आएगा तो अब क्या बचा इसमें कुछ नहीं बचा वर्कडन मेरा कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू टेन जूल सर ये कैसे निकाल लिया आपने याद करो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या? इसका जो है, इसका जो बात समझ में आ रही है एक बार जल्दी से देखो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लें कि क्या मैंने इसका सॉल्यूशन सही करा है कि नहीं तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पे भी वर्क कितना आ रहा है टेन जूल और यही तो मैंने भी निकाला दैट मीनस आई एम करेक्ट आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दैट इज दिस वन पूछा गया है यहां पे कि मेंशन द कंडीशन अंडर सॉरी मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर पूछा गया है कि एक कोई कंडक्टर अपने पास है और इस कंडक्टर में ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएंगे जिसकी वजह से चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन दिस कंडीशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पहली चीज मेरे को पता है कि किसी भी कंडक्टर में यदि मेरे को चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो मेरे को यहां पे देना होता है बच्चों पी डी दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू दी बी पॉइंट और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा देता कौन है तो आपको पता होना चाहिए और ये हम लोग कर चुके हैं दैट इज सेल एंड बैटरी ये कौन करवाता है सेल और बैटरी बच्चों इतनी बात क्लियर है हाँ या ना चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं सर एक बार आपने तो बता दिया एक बार आंसर भी तो दिखा दो कि आप जो बता रहे हो क्या वो करेक्ट है कि नहीं है देखो बाय क्रिएटिंग द द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट चार्ज कैन मूव डिवाइस यूज टू मेंटेन द कंडीशन इज सेल ऑन बैटरी बात समझ में आया मतलब क्या है कि जो सेल है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस देता है सेल और बैटरी और ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आगे बढ़ते हैं बच्चों देखो यहां पे वही चीज है लेकिन मैंने बस रिवीजन के लिए यहां पे दी है मैंने आपको बताया था ना इन दोनों डिवाइस के बारे में एमीटर और वोल्टमीटर एमीटर मेरा काम क्या करता है ये डिटेक्ट करने का काम करता है कि सर्किट में, में मेरा करंट है कि नहीं है दूसरी चीज ये कनेक्ट कैसे होता है हमेशा सीरीज में और सीरीज में करेक्ट होने के लिए इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है कम अभी आपको रेजिस्टेंस तो पढ़ाया नहीं है तो आप समझोगे रेजिस्टेंस क्या है सर रेजिस्टेंस एक ऐसा स्पीड ब्रेकर होता है जो कि करंट के फ्लो को रोकने का, का काम करता है नेक्स्ट वोल्ट मीटर का काम क्या का होता है वोल्ट मीटर भाई मेरे वोल्ट वोल्ट मेरा किस लिए यूज होता है टू तो फाइंडिंग आउट द पीडी डी मीन पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो वोल्ट मीटर है पोटेंशियल अगर आपको यह भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे समझो कि लेट सपोज देयर इज अर्किट दैट इज अर्किट ठीक है दैट इज अर्किट और मेरे को जानना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बल्ब पीडी मेरा बल्ब का कितना है अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बल्ब बल्ब का बेटे जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है ठीक है अगर मेरे को बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जानना है तो क्या करूंगा मैं क्या मीटर को ऐसे लगाऊंगा नहीं मैं वोल्ट मीटर को जो मेरा बल्ब है उसके एक टर्मिनल से जोड़ूंगा और उसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ूंगा दैट मीन्स मेरा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट है पैरेलल पैरेलल का मतलब अगर एक कोई ऑब्जेक्ट एक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है और दूसरा अगर आप ऐसे लगा दैट इज कंसीडरिंग एज अ पैरेलल सीरीज का मतलब होता है एक अगर ऐसे लगाया उसी के आगे आपने अगर दूसरा जोड़ दिया दैट इज कंसीडरिंग एज अ सीरीज अभी लेटर ऑन बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल असल में क्या होते हैं बस अभी आपको समझा रहा हूं कि सीरीज ऑफ पैरेलल वर्ड से आप क्या समझोगे पैरेलल का मतलब ऐसे जोड़ना सीरीज का मतलब ऐसे जोड़ना बात समझ में आई चलिए अब जो बेटे नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें जितने भी फॉर्मले आए हैं वो सारे के सारे फॉर्मले आपको एक जगह भी देखने को मिलेंगे वो फॉर्मुले कौन कौन से हैं ये वाले पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज करंट का आई किसके बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज अ करंट अब इसी फॉर्मूले से आप एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू करेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम या ना अगर मैं बात करूं कि एक कुलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप मैंने आपको बताया था ना ये कैसे निकलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई सो एक फॉर्मूला मेरा हो गया क्यू इज इक्वल टू एनी बात समझ में आया पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला अब थोड़ा सा अब यहां पे आपका काम आएगा अब यहां पे रटन क्रिया बेकार है यहां पे आपकी कॉमन सेंस काम में आएगी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यदि आपको एन गिवन है आई गिवन है टी गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मुला लगाओगे तो आप एक नया फॉर्मुला जनरेट कर लोगे दैट इज एन ई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी दैट मीन ई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन एन बात समझ में आ रहा है हा या ना मतलब आपका क्या है कि यदि क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे को यहां से फॉर्मूला पुट करना रहेगा नेक्स्ट हमारा आता है I is equals to क्या होता है Q upon 2 और इसके मैंने आपको formula, uh, करवा रखे हैं I is equals to Q T है Q मेरा किसके बराबर है N के -E तो I क्या हो जाएगा N -E

अगर नहीं सीख पा रहे हो या फिर अगर आप कह रहे हो कि पहले मैं, करूंगा, देन मैं में अप्लाई करूंगा, तो लर्न मत करिए लिख लिख दिमाग में बैठेगा से कभी भी नहीं लर्न होते हैं, याद नहीं रहते ठीक है तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज तो अगर मैं बात करूं वर्क डन मेरा कितना होगा दैट इज वी मल्टीप्लाई बाई क्यू आई इज इक्स टू मेरे को अल्टीमेटली पता है that is Q Q T तो तो कितना कितना होगा I multiply by T, तो work done मेरा कितना हो गया बच्चों कहने का मतलब क्या है ये सारे के सारे फॉर्मले आपके एक दूसरे से रिलेट करते हैं और इन फॉर्मुल को अगर आपके आ, आपको पकड़ बनानी है तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं ऐसी सीरीज लाया करूंगा जिसमें पर्टिकुलर बंच ऑफ फॉर्मुले होंगे रिलेटेड टू ऑल दी प्रीवियस टॉपिक्स जिससे आप इन्हीं फॉर्मुले से उस टॉपिक को भी रिवाइज कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो क्लियर है चलिए आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं बढ़ने से पहले मैंने अभी आपको यह नहीं बताया है ठीक है ये बेसिकली ओम्स लॉ है जो कि अभी हम लोग लेटर ऑन क्लास में देखेंगे और उसी क्लास में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा जो कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा साथ साथ उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ओके आज की सभा यही समाप्त है मतलब आज की क्लास यही समाप्त है अगेन यू कैन सी ऑन माई साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल सी अ बंच ऑफ कोर्सेस दैट इज़ टली फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही होंगी दैट इज ई नोट्स और ई e बुक ये भी आपका आ, आ, फ्री है आप कहां से लेंगे इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आपको अवेलेबल है साथ साथ यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे चैनल्स है बच्चों और इन चैनल्स का उपयोग क्या है सर यदि आपको मैग्नेट ब्रेन के बारे में कोई जानकारी चाहिए यदि अपने फेवरेट टीचर लाइक मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको इनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइकन को दबाना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए सो लिंक कहाँ मिलेगा सर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो आज की क्लास पसंद आई हो ये फॉर्मुले आपको क्लियर होंगे इन फॉर्मुलों में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा वरना बड़ा कष्ट होगा आपको न्यूमेरिकल में जब मैं करवाऊंगा So this is it from my side. Bye bye. Take care.